गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी व्लॉग हम लोग स्टार्ट किए हैं, जस्ट अभी अराउंड टाइम हो रहा है 3:56, 4 बजने वाले हैं। 4 बजे हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैं आज थोड़ा सा काम कर रहा था घर पे, आज ऑफिस भी नहीं गया था, खाली बैठा हुआ था। तो मैंने कहा छोड़ो एक व्लॉग बनाते हैं क्योंकि मुझे अभी जाना है एक काम से बाहर, तो थोड़ा सा घूम भी लेंगे, थोड़ा व्यू भी देखेंगे कि थोड़ा सा वो रिवर साइड में ही आता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी घूम के आते हैं। फिर शाम को मोमो खाने वगैरह भी जाना है, तो कुछ प्लान्स बना रखे हैं, तो एक बार चलते हैं। तो अभी ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा और मेरे पास आप में से कुछ एक दो लोगों के मैसेज आए हैं, कमेंट्स भी आए हुए हैं कि रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा सा बेस बनाते हैं, उसके बाद फिर रेगुलर व्लॉग्स भी स्टार्ट करेंगे, और रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद तो फिर रेगुलर अपडेट करता ही रहूँगा मैं। तो अभी चलते हैं। अभी हम पहुंचे हैं बराड़ी के आसपास, तो बराड़ी से हमें एक गाड़ी लेनी थी, ये गाड़ी हमें लेके जानी है इससे टोचन करके। तो अभी हम लोग फिलहाल बराड़ी पहुंचे हैं, देखते हैं आगे कैसा सिस्टम है। बात क्या है कि इसका हैंडल लॉक है, तो हैंडल लॉक होने की वजह से भी इसका स्टीयरिंग घूम नहीं रहा है, तो स्टीयरिंग का भी कुछ काम करना होगा, देखते हैं क्या होता है। अभी अभी हम लोग निकले हैं गाड़ी लेके, अभी आप देख सकते हो पूरा रात हो चुका है, अभी बज रहे हैं 6:20, मतलब 7 बजने में अभी कम से कम 40 मिनट है। 7 बजे तक का टारगेट है कि 7 बजे तक पहुंचना है, बट टोचन वाली गाड़ी को लेके थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है पहुंचना, अभी देखते हैं। ऊपर से एरिया भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था इसमें कि कसम से कह नहीं सकते कुछ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कह सकते हैं फुलवरिया के आसपास होंगे, तो अभी फिलहाल चलता हूँ और आपको आगे का भी रास्ता दिखाता हूँ और हाईवे पहुँच जाऊँ, ठीक है, हाईवे पहुँच के उसके बाद। तो अभी जस्ट हम लोगों ने NH टच किया है, NH टच करके अब जा रहे हैं पूर्णिया की तरफ, जो यहाँ से करीब करीब रखो 20 किलोमीटर के आसपास है, 20 किलोमीटर जैसा तो होगा ही, 20 किलोमीटर अभी हम लोग को जाना है। और NH आने के बाद तो एकदम दिल को रिलैक्स फील होता है कि भाई साहब क्या आ गए। उस टाइम जहाँ पर मैं गया था इतना ज़्यादा सर दर्द, मेरा सर फटने लग गया कि मैं क्या बताऊँ। देखो शक्ल दिखाऊँ अपनी, एक मिनट, पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन भाई साहब जो हालत ख़राब हुई है उस गाड़ी पर रास्ते में ड्राइव करके, कसम से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब, कभी नहीं ड्राइव करके इतना दिमाग ख़राब हुआ है गाड़ी चलाने में। भाई सब बोलते हैं ना कि ले लिया पहाड़, जहाज ले लिया लेकिन जहाज चला नहीं पा रहे, सूमो जैसी गाड़ी वहाँ पे चल नहीं रही और मैं उसे चला के मतलब घरका रहा हूँ, जिसे बोलते हैं ना एकदम हल्का धक्का मैं लगाना, बस मैं धक्का लगा रहा हूँ ऐसे, इससे तेज तो मैं गाड़ी को धक्का मार के पहुँचा दूंगा, इतना ज़्यादा सही वो हो रहा था वहाँ पे। फिलहाल अभी हाईवे पे हैं, हाईवे पे निकल के आपको फेस दिख रहा होगा मेरा, पूरा फेस मेरा एकदम खतरनाक पसीने से है क्योंकि भाई साहब एसी चलने के बावजूद भी वहाँ पे इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि क्या बताया जाए। तो अभी गेरावाड़ी में रुकेंगे, गेरावाड़ी में कुछ खाऊंगा, याद है मैंने पिछले व्लॉग में एक मोमो स्टोर दिखाया था, उसी मोमो स्टोर पे जाके कुछ खाते हैं, खाने के बाद फिर उसके बाद फिर पूर्णिया की तरफ बढ़ता हूँ, गाड़ी ऑफिस में लगाऊंगा, ऑफिस में लगा के फिर मैं अपने घर को आ जाऊंगा। अभी देखते हैं पूर्णिया कितना देर में पहुँचता हूँ मैं, वैसे टारगेट है मेरा कि 7:15 बजे तक पहुंच जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता पहुंचेंगे क्योंकि थोड़ा देर बीच में ब्रेक भी रहेगा। तो अभी गाड़ी को थोड़ा सा मैं चलाता हूं, ठीक है, तो फिर अभी मिलता हूं आपको मैं डायरेक्ट मोमो स्टॉल के पास। अभी ऑफिस में गाड़ी लगा के अब यहाँ पर जा रहा हूँ मैं कि घर की तरफ थोड़ा निकलूँ, घर को देख के उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। कल का व्लॉग भी आएगा, अब मैं डेली व्लॉग करने का सोच रहा हूँ, अब कल एक बार अपलोड करता हूँ उसके बाद फिर बताऊँगा, ठीक है। जस्ट मैं पहुंचा हूं अपने घर के पास, अभी जस्ट उतर के अब रास्ते की तरफ जा रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा अंधेरा हो गया, रात के 9 बज रहे हैं। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू, बाय बाय।